आसमान में काले बादल छाए हैं, वाक्य में विशेष्य पद है। तो विशेष्य दोस्तों यहां पर आपको बताना है, तो बादल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है। पुराना दोस्तों एक गुण है ना, कि नया है या पुराना है, चमकीला है, तो दोस्तों ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण में आएगा पुराना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आर्थिक दृष्टि से 10% आरक्षण देने वाला देश का कौन सा राज्य बना। दोस्तों आर्थिक ईडब्ल्यूएस दोस्तों कौन सा बना राज्य, दूसरा राज्य बना था ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शोर का अतीत नामक पुस्तक किसकी रचना है। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, शोर का अतीत नामक पुस्तक दोस्तों किसकी है, राम सिंह की है ऑप्शन नंबर सी। हिमालय के खस दोस्तों किसकी है, ये है डीडी शर्मा की, तो ये आपको याद रखना है। भूमियाल दोस्तों किसकी रचना है, अबोध बंधु बहुगुणा की है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक ट्रॉप जंक्शन दर्रा है। दोस्तों ये हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमारा माणा दोस्तों चमोली, श्रीकंठ दोस्तों उत्तरकाशी, ट्रेल पास दोस्तों ये हो जाएगा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का शुभारंभ किया था। दोस्तों ये किया था उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड दोस्तों एक योजना है महालक्ष्मी, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना 17 जुलाई 2021 में आई थी, पिछले सॉरी पिछले साल दोस्तों, पिछले से भी पिछले साल तो यानी कि 2021 में। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने राजी जनजाति को बनरावत अथवा बन का राजा कहा। दोस्तों राजी जनजाति वो जनजाति है जिसकी की आबादी उत्तराखंड में सबसे कम है। दोस्तों एटकिंसन ने दोस्तों कहा था राजी को बन रावत या बन राजा, यानी कि जंगल का राजा। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, किस तिथि को गलोगी परियोजना से मसूरी प्रकाशमान हुआ था। तो मसूरी में उसको बिजली कब आई थी, 24 मई 1909। तो पूरी डेट आपको याद रखनी होगी, जबरदस्त प्रश्न है, एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है। किस तिथि को गलोगी परियोजना से मसूरी प्रकाशमान हुआ था। दोस्तों ये हो जाएगा 24 मई 1909 को। अगला प्रश्न है, गढ़वाल एनिशेंट एंड मॉडर्न पुस्तक कब प्रकाशित हुई। दोस्तों किसकी है, राय बहादुर पातिराम की है, बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखनी दोस्तों, कब प्रकाशित हुई थी। कभी कभी दोस्तों आयोग जो है किसी पुस्तक का प्रकाशन वर्ष भी पूछ लेता है, जैसे एलटी में भी पूछा गया था, कोई हिंदी की रचना थी महादेवी वर्मा की थी, फिलहाल मुझे याद तो नहीं आ रही, लेकिन उसमें जो है कि जो प्रकाशन भी पूछा गया था कि ये कब प्रकाशित हुई थी, तो वैसे दोस्तों आयोग भी पूछ ले रहा है, यहाँ पर उत्तराखंड की कोई पुस्तक है प्रकाशन पूछ लेता है, तो 1917 में दोस्तों आई थी, आपको याद रखना है गढ़वाल एनिशेंट एंड मॉडर्न पुस्तक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, केंद्र सरकार की उस परियोजना का क्या नाम है जिससे उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता आसान हो सकता है। उस तो हो जाएगा पर्वतमाला प्रोजेक्ट। उस तो अब केदारनाथ में भी, औली में भी, और भी उस तो मसूरी में भी, हर जगह उस तो जो है, हालांकि मसूरी में तो पहले से है, लेकिन बहुत जगह उस तो क्या है रोपवे उत्तराखंड में बन रहे हैं, मोदी जी ने धनादन घोषणा यहाँ पर की हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुपरता के खिलाफ शुरू किया गया। दोस्तों ये हो जाएगा भिक्षावर्ती के खिलाफ दोस्तों शुरू किया गया, ये आपको याद रखना है। अगला है, सल्तनत काल के इतिहासकारों ने अपने वर्णन में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है। जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न, दोस्तों ये किया है शिवालिक नाम से किया है, याद रखेगा सल्तनत काल के इतिहासकारों ने अपने वर्णन में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को तो शिवालिक नाम से जो है संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग बिल्कुल है, मोस्टा मानो उस तो पिथौरागढ़ में लगता है बिल्कुल है, हरियाली मेला उस तो भीमताल में लगता है, नैनीताल बिल्कुल सही है, जाख मेला जलते अंगारों पर नृत्य दोस्तों ये कहाँ लगता है, रुद्रप्रयाग में लगता है, तो जाख मेला दोस्तों यहां पर गलत है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई। उत्तराखंड का नवीन इतिहास, दोस्तों क्या आप इस बुक को पढ़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये दोस्तों निश्चित रूप से आपको पता होगा। मध्य हिमालय का पुरातत्व, दोस्तों एक परीक्षा में पूछा गया था कि मध्य हिमालय का पुरातत्व निम्न में से किसकी पुस्तक है, तो यशवंत सिंह कटोच की है। मध्य हिमालय की कला दोस्तों ये भी किसकी है,
यशवंत सिंह का टॉर्च किया, इसका से उत्तर जगह स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकार। दोस्तों किसकी पुस्तक है कमेंट बॉक्स में छापिएगा जरूर इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है पवार शासन काल में काष्ट भांड बनाने वाला व्यक्ति कहलाता था, दोस्तों ये कहलाता था चिमियार, ऑप्शन नंबर डी, शराब बनाने की कला दोस्तों कहलाती थी कलाल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड स्थित है, जनपद दोस्तों पूछा है तो देहरादून हो जाएगा क्योंकि ऋषिकेश में है। अगला प्रश्न है 2022 में ऋषिकेश के विकास के लिए किस देश के बैंक के साथ उत्तराखंड सरकार ने अनुबंध किया, दोस्तों जर्मनी के साथ किया था, फिलहाल एग्जाम में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भाग नहीं लिया, तो किसने दोस्तों भाग नहीं लिया था, जबरदस्त प्रश्न है, एक नंबर के लिए दोस्तों पूछा जा सकता है। बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने लिया था, बरियत पांडे ने लिया था, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा इन्होंने भी लिया था, लेकिन ज्वालादत्त जोशी ने दोस्तों इन्होंने लिया था 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है किस पवार शासक ने मौलाराम को 60 गांव जागीर में तथा ₹5 प्रतिदिन वेतन प्रदान किया था, दोस्तों जय कीर्ति शाह इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है निम्न में से 24-25 जून 1967 में रामनगर में स्थापित होने वाला संगठन था, दोस्तों यह था पर्वतीय राज्य परिषद, जबरदस्त प्रश्न है। 24-25 जून को दोस्तों 1967 में रामनगर में दोस्तों पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की गई थी, अध्यक्ष कौन थे दयाकृष्ण पांडे। अगला प्रश्न है एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द विलेजर्स राइट इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ कुमाऊं रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, दोस्तों ये हुई थी 1939 में। अगला प्रश्न है कत्यूरी शासन काल में नदी के तटों पर और घाटों पर नियुक्त पदाधिकारी दोस्तों ये कौन थे नरपति, नदी घाटों पर नरपति। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा प्रांतपाल दोस्तों सीमाओं के रक्षक थे। अगला प्रश्न है लाली किस प्रकार का गीत है, अब देखिए दोस्तों कितना छोटा यहां पर प्रश्न है, देखिए एक ऑप्शन है कुलचार गीत, एक ऑप्शन है मंगल गीत, मांगल गीत, एक है प्रणय गीत, एक है ऋतु गीत, तो लाली दोस्तों किस प्रकार का गीत है, दोस्तों ये ऋतु गीत है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की बृहद स्तरीय कागज एवं लुगदी उद्योग की इकाई कार्यरत है, दोस्तों ये कहां है लाल कुआ, दोस्तों लाल कुआ कहां पड़ता है नैनीताल में पड़ता है लाल कुआ। अगला प्रश्न है पवार शासन काल में चंड क्या था, दोस्तों ये थे संदेश वाहक को कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई, दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी, दोस्तों ये हुई थी 17 जुलाई 2021 को, जबरदस्त प्रश्न है, एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है इतिहासकार एटकिंसन ने किसके शासनकाल को मां बाप सरकार व एक तंत्री बताया, दोस्तों ये किसके शासनकाल को बताया जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासनकाल को बताया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, दोस्तों ये दिया गया था गबर सिंह नेगी को, आपको याद रखना गबर सिंह नेगी दोस्तों दिया गया था 1915 में, दरबान सिंह नेगी को दिया गया था 1914 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कश्मीर हाट नामक ऐतिहासिक स्थल राज्य में किस स्थान को कहा जाता है, दोस्तों ये कहा जाता है किसे गोपेश्वर को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा बैक प्रोसेस बंदोबस्त कहा जाता है, दोस्तों ये कहा जाता है 1833 के बंदोबस्त को। अगला प्रश्न है महावीर थापा के बालेश्वर ताम्रपत्र में कुर्मांचल प्रदेश को कहा गया है, दोस्तों ये कहा गया करमालय, करमालय ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, बिल्कुल दोस्तों सही बात है वर्तमान में है, और इससे पहले कितनी महिलाओं ने राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया, दोस्तों दो महिलाएं और थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर को ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक एजेंट बनाकर काठमांडू दरबार भेजा था, दोस्तों किसे भेजा था ई गार्डनर को भेजा था, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों तभी जो है इनका कार्यकाल केवल 9 माह का रहा था ये गार्डनर का। अगला प्रश्न है कराचल देव के उत्तराखंड पर शासन की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, दोस्तों ये होती है किससे गोपेश्वर अभिलेख से, गोपेश्वर अभिलेख से। अगला प्रश्न है किस तिथि को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था,
दोस्तों ये कब किया गया था, 27 जुलाई सन 2000 को पेश किया गया था, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1 अगस्त को पारित हुआ था लोकसभा से, 10 अगस्त को पारित हुआ था राज्यसभा से, 28 अगस्त को राष्ट्रपति के नायडू ने इसमें अपनी जो है स्वीकृति प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जन जागरूकता हेतु उत्तराखंड का पहला संगठन था, अखिल गढ़वाल सभा और हैप्पी क्लब तो 1903, अखिल गढ़वाल सभा 1952, डिबेटिंग क्लब तो 1870, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, उसको ये कहा जाता है हिंद। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय बागान कहाँ लगाए गए, दोस्तों एक लगाया था लक्ष्मेश्वर और एक भरतपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कुली वेगार आंदोलन की समाप्ति के समय 1921 में तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर कौन था, दोस्तों ये कौन था, पर्सी विंडम था, तो ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की श्रेणी में निम्न में से किसे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, दोस्तों हरिद्वार को किया गया, ये आपको याद रखना है, हरि का द्वार। अगला प्रश्न है, प्रख्यात कथाकार शेखर जोशी का निधन 4 अक्टूबर 2022 को हुआ था, वह दोस्तों अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर के निवासी थे। अगला प्रश्न है, दाजू ये दोस्तों किसकी रचना, यह है शेखर जोशी। अगला प्रश्न है, द्रौपदी का डांडा चोटी किस जनपद में, दोस्तों यह है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, दोस्तों ये किया गया आशा पारेख को, ये आपको याद। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का दोस्तों स्थान रहा 132वां, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आ सकता है। बथुकम्मा उत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया है, दिलीप टिर्की को बनाया गया है, याद रखिएगा दिलीप टिर्की को। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात कितना बताया गया है, दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है, तो 984 दोस्तों बताया गया है, याद रखिएगा, जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, BCCI के दोस्तों अध्यक्ष कौन बने, रोजर बिन्नी बने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक का मेजबान देश कौन सा, दोस्तों यह है मिस्र, जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एक नंबर के लिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की पहली पुण्यतिथि पर किन्हें हिमालय प्रहरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दोस्तों ये किया गया धूम सिंह नेगी। उत्तराखंड के दोस्तों वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, प्रेमचंद्र अग्रवाल, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, दोस्तों रेत की समाधि के लिए दोस्तों दिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखला के नाम पर P-17A फ्रिगेट्स श्रेणी के पोत का नाम क्या रखा गया, दोस्तों ये रखा गया दूनागिरी, जबरदस्त प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की अनुशंसा पर लागू की गई, दोस्तों कस्तूरी रंजन समिति की अनुशंसा पर दोस्तों लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की जेंडर रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर, दोस्तों यह है 135वें।